नमस्कार भाई दोस्तों, आज आपको बहुत खुशखबरियां मिलने वाली हैं और दिखाएंगे ये झूठ कैसे बोलते हैं नेता, कितनी किस हद तक बोलते हैं। हद तो इनकी कोई है ही नहीं, गिरी हुई याद इनकी सभी की, जितने भी नेता हैं एक एक का बता देंगे आपको, दिखा भी देंगे। सभी साथियों को नमस्कार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। नंबर एक चीज़ मुबारक हो, भारतीय रुपया एशिया की टॉप 10 करेंसी से भी बाहर हो गया। भूटान की करेंसी अपनी करेंसी बराबर हो गई है, कुछ पता लगा? ये 18-18 घंटे काम करने का नतीजा है। एक बहुत पहले एक चीज़ दिखाई जाती थी, उड़ता पंजाब। क्यों बनाया गया था उड़ता पंजाब पता है? वो नशे के कारण, नशे की जो हालत होती थी उसके कारण। आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप सब ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो ले दिखा देते हैं। मकबूलपुरा जिते गंदा नाले दी ना बैक साइड ते सड़क बनी है, ये लड़की नशा कर रही है। आ कुड़ी ने हुणे हुणे स्मैक दा टीका लाया, समय का नशा बिल्कुल अपने पैरां ते नहीं खलोता जान लिया। लड़की है ये तो हालत देख लेना, पंजाब की कहां पहुंचा दिया पंजाब को। और भी दिखाएंगे, पूरे सबूतों के साथ दिखाएंगे आपको क्या हो क्या रहा देश में। पूरे तो जिते गंदा नाला से उत्ते सड़क बनी है, ते ए एमएलए जीवन ज्योत दे इलाके च पैंदी आ, सामने बिल्कुल पुलिस चौकी भी आ। ये हालात है, हालात है साडे पंजाब दे, पंजाब के हालात। क्या क्या वो करेगा रे, क्या हालत बना रखी है पंजाब के। एक आदमी जिसको कि शायद सभी जानते होंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब में भी सरकार बनाई है, हरियाणा में आके हिसार में आके बहुत बड़ी बात बोल रहा था कि वो पूरी दुनिया को फ्री में बिजली बांट रहे हैं। बोले थे शब्द, वीडियो है, वो वहाँ का वीडियो है, पूरी दुनिया को फ्री बिजली बांट रहा हूँ, हरियाणा वालों तुम भी ले लो। सबसे पहली बात तो अपने गांव में ही दे दे, अपने गांव में ही दे दे बिजली, अपने गांव के हालात तो बता दे क्या हैं मुख्यमंत्री साहब, बाकी हालात तो आप बाद में देखोगे कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद इसके झूठ का सबसे बड़ा पर्दा उठाएं, दिल्ली में क्या बना रखा है इन्होंने सिखों के साथ, सरकार बनवाई है आपने पंजाब में, पंजाब में सरकार बनवाई है आम आदमी की, दिखाएं दिल्ली के हालात। बाकी आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो चलो आपको पूरा ही दिखा देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते जिथे भी मेरी आवाज़ जा रही है मैं सारिया नूं दसना चाहवांगा, और खास करके मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नूं दसना चाहवांगा, साडे एमएलए जरनैल सिंह नूं दसना चाहवांगा, और साडे दिल्ली सरकार दे पावर मिनिस्टर उन्हां नूं भी दसना चाहवांगा। 1984 के शहीद दो तोहफा दे रही है दिल्ली सरकार, तोहफा क्या है पता है, ताजा साडे एमपी बन के आए ने विक्रमजीत सिंह सानी जी, उन्हां नूं मैं दसना चाहवांगा। 10 जनवरी 2017 नूं केजरीवाल स्मृति उद्यान दा पार्क दा उद्घाटन तिलक विहार करन विच आया सीगा, और उस टाइम दास गुरुद्वारा शहीद गंज दा प्रधान भी सी, और दिल्ली गुरुद्वारा। तोहफा सुन लेना, तोहफा कौन सा दे रहा है। मैं अपने जिम्मेवारी नूं समझदे होए मैं इन्हां दे प्रोग्राम विच भी गया सीगा, और मैं उत्थे मुख्यमंत्री नूं अपील कीती सीगी कि साडे कोल 84 तों लै के हुण तक ना बीजेपी सरकार दी इत्थे सरकार रही दिल्ली च, उन्होंने साडे कोल बिल लिया, 3 वारी कांग्रेस की सरकार रही शीला दीक्षित ने उन्होंने कोई बिल नहीं लिया, और शीला दीक्षित ने 2014 तक जिन्ना भी बिल जिला बिल बकाया सी और प्राइवेट कंपनियां नू पे करके चले गए सीगे। ए सारी गल मैं केजरीवाल नाल कीती सीगी, उस टाइम मौजूद जरनैल सिंह भी सी, सतेंद्र सिंह भी सी, संजय सिंह भी सी, और भी तोहफा ले लो, तोहफा सारे उत्थे मौजूद सीगे, और उस मीटिंग अब सुनना असली तोहफा सुनना, कौन सा दे रहा है ये कि इन्हां विधवावां दी बिजली दे बिल माफ होंगे। साथ संगत जी मैं ए तुहानूं शमनी बाई दा बिल दिखा रहा हैगा, जो कि 5,11,730 रुपए दा, ए साडी भरजाई है, इन्हां दे परिवार च 1984 सत्त बंदे शहीद होए सीगे, और C87 इहदा मकान इहनू अलाट होया हैगा, इह जैनमन विधवा दा बिल 5 लाख तों उत्ते आ रहा हैगा। साध संगत जी इह साडे नाल बहुत वड्डा धक्का हो रहा हैगा, या तो जरनैल सिंह साडी गल नहीं समझ रहा,
या वो करवान दे मूड विच नहीं हैगा। ए भागी कौर खड़ी है, इन्हां दा 3 लाख तो वध बिजली दा बिल तोहफा है दिल्ली वालों। ए हरबाई कौर दी नूं खड़ी हैगी है, इन्हां दा 4 लाख दा बिल हैगा। ए लक्ष्मी कौर खड़ी है हाथ च बिल लेके, इन्हां दा 3.5 लाख रुपए दा बिल हैगा। ए साडी भैन जी कुलदीप कौर जी खड़े ने, इन्हां नूं मतलब के सारी विधवावां हैगियां। 1984 में शहीद हुए सिखों की विधवाओं के, हालात है किसी का 3 लाख से ऊपर ऊपर बिल, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे बिजली का बिल आ रहा है। केजरीवाल साहब झूठ तो नहीं बोलो, जितनी चल जाए पहले हालात दिल्ली के सुधारो, दिल्ली के हालात सुधारो, बाद में ही देखना हरियाणा की तरफ। ठीक है, पंजाब वाले खा गए होंगे धोखा, लेकिन हरियाणा में नहीं, हरियाणा में धोखा देने की कोशिश मत करो। ये सबको पता है, आज तक जितने भी लाला बनिया हुए हैं ना, उन्होंने लूटा हमेशा किसानों को, किसानों को हमेशा लूटा है। और लाला हो तो लूटोगे, पक्का लूटोगे, और जहाँ जहाँ किसान उनको तो लूटोगे लूटोगे। पंजाब खा गया धोखा, लेकिन अगर पंजाब से सबक हरियाणा ने नहीं लिया तो बहुत बड़ा धोखा हरियाणा भी खाने वाला है। ये हैं हालात, ये हालात हैं, कहाँ कहाँ से वो करोगे इनका। झूठ के ज़्यादा पाँव नहीं होते कभी भी, और झूठ ज़्यादा चलता भी नहीं है। ठीक है, भले ही वीडियो को 100 आदमी देखो 200 आदमी देखो, लेकिन वो 100 भी दूसरे 100 को समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगी। ये नेता आते हैं टीवी में, बड़ी बड़ी मीडिया में झूठ बोलते हैं। आपको बताया था मैंने हिसार में जो इसने रैली की थी ना, पत्रकारों को पहले लिख के दे दिया था कि ये सवाल पूछे जाएंगे, उन्हीं पत्रकारों को अंदर आने दिया था जिन्होंने लिखित के सवाल पूछे थे, पता चला। और सच्चाई है ये, आपको बताई थी, आपने कमेंट करके बताई थी, वहाँ पर खुद एक पत्रकार गया हुआ था उसने भी बताई थी। ये है सच, इनका काला सच, सभी नेताओं का, सभी नेताओं का। ये हालात हैं, झूठ बोलते हैं और ये करते हैं ऐसे। खाओगे धोखा फिर धोखा खाओगे, कितना बचोगे इस धोखे से वो आपके ऊपर, आप कितना बच सकते हो नहीं बच सकते। अपना काम आपको सच्चाई दिखा देना, कहीं से भी लाएं आपको सच्चाई दिखाएंगे। दूसरी बात, आज किसान गए थे वहाँ पर पंचकूला, पंचकूला गए थे किसान, इनाम लिए दे दिया सरकार ने, वो देना था वो तो, पंचकूला में इनाम नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई सरकार पंचकूला में किसान आ रही है सरकारी नाम ना दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सरकारी नाम ना दे, पंचकूला में किसानों को इनाम दिया जा रहा है खट्टर सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा। ये किसान तो फिर भी डटे हुए हैं, और किसान ही लड़ेगा इस देश की लड़ाई, ये भी सबको पता है, लेकिन किसानों को भी अलग अलग करके मारा जा रहा है। ये चीज़ मैं बार बार कहता आया हूँ आपको, बार बार किसानों को अलग अलग करके मारा जा रहा है। बचना पड़ेगा इन चीज़ों से, बचना। अपने चौधरी छोटू राम जी ने जो बोला था ना, उस बात को याद रखो, बोलना सीखो और दुश्मन को पहचान लो। दुश्मन चारों तरफ है, किसान का हर कोई दुश्मन है, हर कोई। बचना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे, जायज़ कदम उठाने पड़ेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समझ में आ जाए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, और लोगों को जागरूक जरूर करना भाई। वीडियो शेयर नहीं करते हो या कुछ भी, अगर जिस जो भी भाई देखता वीडियो को, लोगों को जरूर जागरूक करे वो, किसान का कोई नहीं है, ये याद रखना। नमस्कार भाई दोस्तों।